अस्सलाम वालेकुम। देखिए हम जा रहे हैं आज चिकन बनाने। तो देखिए हम चिकन को पहले से धो करके ड्राई होने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे हम लिए हैं 2 मीडियम साइज का प्याज, तो उसको हम बारीक बारीक कट कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज का टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं। यहाँ पे लिए हैं मसाला, तो मसाला में है लहसुन है, अदरक का पेस्ट है, मिर्ची का बुक्की है, धनिया का बुक्की है, हल्दी का बुक्की है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे है थोड़ा खारा गरम मसाला, थोड़ा 1 से 2 सूखा मिर्च है। तो आप चलते हैं कढ़ाई की तरफ, गैस को ऑन कर देते हैं। देखिए इसमें हम जा रहे हैं तेल डालने के लिए, तो देखिए हम तेल डाल दिए हैं। चाहे तो आप और ऐड कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से डाले हैं। देखिए अब इसमें हम डालेंगे जीरा, देखिए जीरा मेरा फूट चुका है। अब डालेंगे अदरक का पत्ता, अब डालेंगे हम सूखा मिर्च और खड़ा मसाला। ये फूट चुका है। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हम डाल दिए हैं और इसे चलाते रहेंगे। देखिए हम इसे चला रहे हैं, हम इसे चलाते रहेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है। चलिए देखिए मेरा प्याज गोल्डन पे आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त, देखिए इसमें हम डाल देंगे चिकन को, इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें हम फ्राई करते समय 1 चम्मच स्वाद अनुसार डाल देंगे, इसलिए हम नमक डाल दिए हैं। गोश्त मेरा भुना चुका है। इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, हम लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। थोड़ा देर इसे भुनेंगे अच्छे से। इसमें भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। देखिए इसमें हम मसाला डाल दिए हैं, अभी इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए आपको तैयार करके दिखाते हैं। इसमें कटा हुआ टमाटर रख देंगे, भून गए थे। कितना अच्छा कलर आने लगा। इसमें थोड़ा देर के लिए कवर कर देंगे। फ्रेंड्स मेरा गोश्त एकदम बन चुका है, इसे मेरा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम 5 मिनट और भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा देखने लग रहा है। देखिए थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे अपने हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स हम पानी डाल दिए हैं, अब इसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो गैस को हम अब स्लो कर देंगे, इसे कवर कर देंगे, इसे हम कवर कर दिए हैं। गैस को हम स्लो रखे हैं,
तो देखिए चिकन बन करके रेडी है। तो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। उतारने के टाइम थोड़ा सा रख दिए हैं, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे धनिया का पत्ता। तो चलिए आपको हम उतार करके दिखाते हैं। तो देखिए मेरा चिकन बन करके रेडी है। तो चलिए मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का चिकन रेसिपी कैसा है। अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आज का कुकिंग कैसा रहा।